हेलो, यूट्यूब चैनल मैथ क्षितिज में हम लोग कवर कर रहे हैं एलजेब्रा, ठीक है ना। और उसका हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया है, होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाए और उसके किस किस तरह के क्वेश्चंस हम बनते हैं, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं पूर्ण वर्ग से रिलेटेड, और आज उसी का एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है आज का, मतलब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ए प्लस रूट बी की फॉर्म में, ठीक है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन बने तो मतलब होल स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है ना। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने ना, तो हमें क्या करना है, ए को किसके बराबर मानना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानना नहीं है, मतलब कंपेयर करना है। और रूट बी को किसके साथ कंपेयर करना है, टू ए बी से। किसके साथ कंपेयर करना है, टू ए बी से। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेवन ये पूरे के ऊपर होल मतलब रूट है, सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ठीक है ना। तो देखो फोर रूट थ्री मतलब जो रूट थ्री के साथ जो भी होगा ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, उसको किसके साथ कंपेयर करना है, टू ए बी के साथ, ठीक है ना। अब इसको देखो तोड़ लो, हमारे पास यहाँ पे टू है तो मतलब हमें इधर भी टू चाहिए होगा, टू इंटू टू इंटू रूट थ्री, ठीक है ना। मैंने इसको इसी मतलब इस टर्म में तोड़ दिया, ठीक है ना, टू इंटू रूट थ्री। तो देखो कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी, टू, और बी की वैल्यू कितनी, रूट थ्री। ए की वैल्यू कितनी, टू, और बी की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है। आप देखो जैसे इसको किसके बराबर मानना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगी ना उसे इस फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई, टू, तो मतलब पहली टर्म क्या है, ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म रूट थ्री प्लस टू ए बी, ठीक है ना। आखिरी में क्या है, टू ए कितना है हमारा, टू इंटू रूट थ्री, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा है वो क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा एलजेब्रा का, कितना बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी कितना है, टू प्लस रूट थ्री, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। अब देखो होल स्क्वायर मतलब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है ना। तो देखो हाफ जब ये करेंगे और टू ऑलरेडी है तो उससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाफ से, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ये दो इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा टू, ठीक है ना। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, टू प्लस रूट थ्री। परफेक्ट स्क्वायर क्या बना इसका, टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। देखो इसी तरह से अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल भी सेम है, क्या कह रहा है, नाइनटीन प्लस एट रूट थ्री। एट रूट थ्री को कंपेयर करो टू ए बी से, ठीक है। दो ऑलरेडी है मतलब हमें यहाँ पे भी दो चाहिए होगा, ठीक है ना। दो लिख दिया है, बचा कितना, फोर, टू इंटू फोर एट, ठीक है। और रूट थ्री को एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी आई, कंपेयर करो फोर, और बी की वैल्यू रूट थ्री, ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है ना। यहाँ पे एज इट इज पुट करो, क्या लिखना है हमें, ए स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर। और अगली टर्म क्या लिखनी है हमें, बी यानी रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर। और टू ए बी, टू ए और बी जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिवाइड मतलब तोड़ा है ना जिस टर्म में वो। अब देखो क्या बन गया, ये वही बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसे सीधा लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर का रूट, इस टू से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है ना। और ऑलरेडी टू पावर है ही, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, फोर प्लस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया, फोर प्लस रूट थ्री, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल, अगला वाला देखो,
कि भाई किस किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि माइनस रूट थ्री प्लस 3 + 8 रूट 7 प्लस 4 √3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ गई है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कहाँ से करनी है हमें फाइंड आउट, वो देखो हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, इस वाली रूट से जो अंदर की तरफ है ना, पहले उस रूट को सॉल्व करना है। तो देखो इसे एज इट इज लिख देंगे बाहर की तरफ, माइनस रूट थ्री प्लस 3 + 8। अब देखो ये जो टर्म है अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको, और किस तरह से सॉल्व किया है ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि इसे a² + b² के साथ कंपेयर और इसको 2ab कंपेयर। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू आएगी √3, ठीक है ना। उसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या आंसर निकाला, 2 + √3, और ये पूरे की वैल्यू है, रूट के साथ की वैल्यू है टोटल, है ना। तो क्या आएगा, 2 + √3, ठीक है। अब इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 3 + 16 + 8 √3, ठीक है। वापस इसे और सॉल्व करते हैं आगे, 19 + 8 √3। देखो हमारे पास एक और टर्म आ गई, सेकंड मतलब जो है जो सेकंड वाला रूट है वो भी एक, उसे सॉल्व करना पड़ेगा अब हमें टोटल, ठीक है ना, इस रूट तक सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, क्या सॉल्व किया है हम लोगों ने, 19 + 8 √3 को हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, 4 + √3। और कैसे सॉल्व करना है, 8 √3 को किससे कंपेयर करना है, 2ab से, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और b की वैल्यू √3। देखो आप इसको एज इट इज, ये बाहर वाला रूट माइनस √3 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 19 + 8 √3, इसका होल रूट का 4 + √3 4 + √3, ठीक है। अब देखो ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 है, कैंसिल आउट, रूट में कितना आ गया 4, और 4 की वैल्यू कितनी आती है रूट में, 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, मतलब इन दोनों को मिला के ये क्वेश्चन बना हुआ। देखो एक और समझो, अगला वाला देखते हैं, ये भी एक अच्छा मतलब पैटर्न है, एक मतलब होल स्क्वायर का, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 + 10 √3। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, +7 + 4 √3। देखो 7 + 4 √3 तो वो वही एज इट इज है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, 10 √3 को किससे कंपेयर करते हैं, 2ab से, ठीक है ना। तो 2 × 5 √3, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी, 5, और बी की वैल्यू √3, ठीक है। अब देखो हमारे जो ये रूट में है, पावर हाफ है मतलब रूट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 + √3 का होल स्क्वायर, उसकी पावर हाफ, ठीक है ना। ये तो बनेगा हमारा, देखो क्या क्या लिखना है हमें, a² + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5 × √3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 25 + 3 + 10 √3 28
प्लस टेन रूट थ्री, यही तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व किया वो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है। अब देखो और समझो, देखो पावर हाफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में इसके क्या चल रहा है, वन अपॉन, देखो माइनस हाफ है ना, मतलब माइनस हाफ है मतलब माइनस का मतलब ये अपॉन में होगा, अपॉन में क्या होगा, रूट में होगा, पावर क्या है हाफ है ना, तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा है तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो और ये वाली वैल्यू अब हम लोगों ने सॉल्व की हुई है, कैसे सॉल्व की हुई है वो इसके पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सेवन प्लस फोर रूट थ्री की वैल्यू कितनी, टू प्लस रूट थ्री। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, फाइव प्लस रूट थ्री, और ये वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे रूट आ रहा है, जब भी नीचे रूट आए तो क्या करते हैं हम लोग, जो इसका जो मतलब व्युत्क्रम होता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टू माइनस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, इसको आपस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या होगा वो देखो, फाइव प्लस रूट थ्री एज इट इज, टू माइनस रूट थ्री एज इट इज, और नीचे क्या बन गया, फोर माइनस थ्री। कैसे बना, नीचे क्या लगा हमारा, देखो नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसे क्या लिख दिया, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब फोर और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री थ्री, ठीक है ना। तो देखो क्या आ गया, फाइव प्लस रूट थ्री, ये तो वन हो गया, टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, ये माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट, तो फाइव प्लस टू सेवन, आंसर कितना है हमारा सेवन, ठीक है, ये आंसर हमारा सेवन आ गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा, फॉर्मूला अप्लाई एक ही होगा, बस फॉर्म जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 28 माइनस सिक्स रूट थ्री, इसको कंपेयर किससे किया हुआ है, ए रूट थ्री प्लस बी, ए बी हमसे फाइंड आउट करा हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है वो ए और बी की मतलब टर्म में कि वो फाइंड आउट करवा दो, या परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा वो पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो इस तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है हमें, माइनस सिक्स रूट थ्री को किससे कंपेयर करना है, टू ए बी से, सिक्स रूट थ्री को टू ए बी से, मतलब टू इंटू थ्री रूट थ्री टू ए बी, ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू रूट थ्री, बी की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है। देखो इसको चेक कर लेते पहले, ए स्क्वायर कितना, थ्री का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, नाइन प्लस थ्री, ये ट्वेल्व हो रहा है, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है 28, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, कंपेयर हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कंपेयर के लिए, क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं उसे वो 28 आ रहा है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको 2 इंटू थ्री रूट थ्री इंटू वन टू ए बी, ठीक है। तो अब की बार ए की वैल्यू कितनी और बी की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू हम लोग थ्री रूट थ्री लेके चलते हैं और बी की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, 1। देखो चेक करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कि भाई ये 28 आ रहा है क्या, ए थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू को निकाल के ये भी चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो टर्म है ना वो सेम आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो कैपिटल ए को क्या माना था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर ये 28 है तो इसे भी जब खोलते हैं या सॉल्व करेंगे तो वो भी 28 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 3 9 × 3 + 1, तो ये कितना हो गया टोटल 28, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग की वाली जो वैल्यू है ए और बी की, ये सही है, ये हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो वैल्यू हम लोगों ने मानी थी उसे 12 आ रहा था, तो हमें से चेक कर लेना है कि ए और बी की वैल्यू सही है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में इसे पुट करते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है ना, -6√3। तो -6 माइनस को एज इट इज, और 6√3 को हम लोगों ने क्या लिखा, 2 × 3√3 × 1। अब ये देखो ये वाला माइनस वाला बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने पहली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर किसका बन जाएगा, ए, ए की वैल्यू कितनी, 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू है, ठीक है ना। एग्जाम में हम लोगों को सीधा यहाँ से फाइंड आउट करना है खाली कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, 3√3 − 1। अब इसके आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a√3 + b। तो देखो इसको कंपेयर किसके साथ करना है, इस वाली इक्वेशन के साथ। तो देखो रूट थ्री ए के साथ आ रहा है, और रूट थ्री यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, 3 के साथ। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और b की वैल्यू कितनी, या b पॉजिटिव में या b माइनस 1 में, मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है ना। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये कंपेयर तो समझ में आ गया ना, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 3√3 + -1 = a√3 + b। देखो यहाँ प्लस, लेकिन अंदर ब्रैकेट में क्या है, माइनस वन। तो b की वैल्यू कितनी, -1, और a की वैल्यू कितनी, √3, ठीक है। तो इस तरह से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1। एक और क्वेश्चन समझते हैं अगला। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, 3, और b की वैल्यू -1। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक x की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, 5 − √21। और हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, √x/32 − 2x − √21, और ये रूट पूरे के ऊपर है, ठीक है ना, सारी टर्म। कुछ नहीं, जो वैल्यू हमें दे रखी है ना वो हमें पुट कर देनी है। क्या है दे रखी है, x की वैल्यू क्या है, 5 − √21 / 32 − 2 5 − √21 − √21। हम लोगों ने क्या किया, खाली जो x की वैल्यू दे रखी है हम लोगों ने वो पुट कर दिया है कहाँ पर, जो इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर की टर्म को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 − √21 − √21, ठीक है। ऊपर की टर्म एज इट इज, वो एज इट इज चलेगी। अब नीचे वाली वैल्यू देखो, 32 − 10 यानी कि 22 प्लस 2√21 − √21 कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा मेथड है।
रूट 21 को किससे कंपेयर करेंगे, 2ab से, ठीक है, 2 देखो ये वाला जो रूट है ना 2 वाला, ये हमें हटाना नहीं है, हम इसे एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस वाले ब्रैकेट को, कैसे, इस 2 रूट 21 को। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 रूट 21 इंटू 1, 2ab। तो देखो a की वैल्यू कितनी आई, रूट 21, और b की वैल्यू कितनी आई, 1, और b की वैल्यू 1। तो ये वाली वैल्यू हमें इस वाले ब्रैकेट के लिए, इस वाले रूट के लिए रखनी है। तो देखो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज 5 माइनस रूट 21 अपॉन में नीचे वाली वैल्यू क्या बनेगी, रूट 21। इसको चेक भी कर लो, देखो स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 21 प्लस 1 22, और वही टर्म हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया, इस 2 को इस रूट 21 के साथ रखा है, ठीक है, क्यों रखा है, वो ये वाला रीज़न है, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, इस वाले को सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये क्या बन गया, रूट 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये जो रूट है ये यहाँ तक है, ठीक है ना, इस रूट 21 के ऊपर ये रूट नहीं है, थोड़ा सा ये वाला मैंने गलत लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, ये जो पूरा रूट है ना वो यहीं तक ही है, क्वेश्चन में यहीं तक ही था, मैंने इसको पूरा ले लिया, ठीक है। देखो ये वाला तो हमारे पास क्या बन गया, रूट 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और जो अलग से जो रूट 21 दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए हमें यह मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे क्या पूरे पे ले लिया था तो पूरे रूट के अंदर तो सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये रूट यहीं तक ही है, और यहीं तक ही है तो ये सॉल्व नहीं होगा कि भाई ये 2 रूट है और ये रूट वाला है, तो इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस वाले रूट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल के हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। तो देखो 5 माइनस रूट 21 अपॉन में क्या बना, रूट 21 प्लस 1, ठीक है ना, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस 21, ये माइनस का है, माइनस का रूट 21, ये माइनस का रूट 21, माइनस का रूट 21 कैंसिल आउट, तो हमारे पास नीचे 1 बचा, और ऊपर क्या बचा है, खाली ऊपर बचा है हमारे पास 5 माइनस रूट 21। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन अप्लाई कहीं ना कहीं एक जगह से वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और वो सॉल्व होता हुआ आगे तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास 1 आ गया, अब देखो इसे कैंसिल आउट कैसे करना है, जब भी रूट दे रखा हो तो देखो रूट 2 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये रूट अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, 10 माइनस रूट 2 21, ठीक है। तो देखो मैंने जो पीडीएफ डाली है ना टेलीग्राम के ऊपर, उसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है ना, अगर हमारा आंसर ये आता है, ऑप्शन ये दे रखा होता है, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके जो ऑप्शन दे रखे ना वो उसमें से ये दे रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/√2, ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा, 10 माइनस 2√21, ठीक है। अब इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, देखो क्या क्या सॉल्व करना है, ये वही टर्म बन गई हमारे पास, क्या बन गया, ए और ये 2ab। तो देखो इसे कंपेयर किससे करो, 2√21 को किससे कंपेयर कर लो, 2ab से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, रूट
इसको मानेंगे हम लोग 2 √7 √3, 2ab। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास √7 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। ठीक है, a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू √3। देखो उसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वही 7 √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों का ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा ये वाली टर्म। ठीक है, तो 1/√2 तो बाहर और अंदर क्या बनेगा, √7 − √3 का होल स्क्वायर और इसका टोटल रूट, ये हमारे पास अंदर बनेगी। देखो 1/√2, ठीक है ना, ये बनेगा a − b का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a² √7 √3 − 2 √7 √3, ये हमारे पास अंदर बनेगा इस वाली टर्म के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, −√7 − √3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, जो ऑप्शन मैंने दे रखे हैं वो ये एक्चुअल में ये है। ठीक है, जब तक हम उसे सॉल्व कर सकते हैं हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में जैसा आंसर दे रखा, अगर ऑप्शन में यहीं तक ही दे रखा हो तो हमें ये टिक करना है। ठीक है, और आगे दे रखा है तो हमें उसे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और किस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कर रहा है, ये क्या वैल्यू आई हमारे पास, √7 − √3 / √2। ठीक है, 7 क्या कह रहा है कि 4 + √3 √7 + 4 √3। ठीक है, देखो नीचे वाली टर्म को हम लोगों ने सॉल्व किया पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया है वो मैं बता चुका हूँ। अब देखो कैसे, इसको 2ab के साथ कंपेयर करना है और इसे a² + b² मान के चलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू की तो 2 आएगी और b की वैल्यू √3। तो देखो 4 + √3 √3, ठीक है, और नीचे क्या बना हमारे पास 2 + √3 का होल स्क्वायर। इस 2 से ये रूट कैंसिल आउट, 4 + √3 / 2 + √3। देखो अब जब जब कभी भी नीचे की तरफ रूट आ जाए ना, ऐसे सिंगल टर्म आ जाए, तो उसे मतलब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म का व्युत्क्रम लेना पड़ेगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एज इट इज बस साइन चेंज करना पड़ेगा 2 − √3। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, a² − b² ये वाला बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। कैसे, a + b, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 16 − 4√3 − 6√3 − 9। ठीक है ना, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया टर्म बाय टर्म, एक एक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बन गया, a² − b² यानी कि 2 का स्क्वायर − √3 का स्क्वायर यानी 4 − 3। तो नीचे क्या बन गया, 1। ठीक है ना, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2√3 और नीचे 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन टर्म आई है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, a + √b के साथ। ठीक है ना, a + √b के साथ। देखो रूट बी को, जो रूट वाली टर्म है उसे रूट के साथ कंपेयर कर लो। देखो a की वैल्यू कितनी आई, −1, और b की वैल्यू कितनी आई, 2√3। ठीक है,
सॉरी, ये बी की वैल्यू 2√3 नहीं आएगी, बी यहाँ पे रूट के अंदर है और यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ 3 है। तो देखो इससे हम लोगों को ये जो 2 है इसे रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा, कैसे, -1 + 2√3, ये -1 एज इट इज। अब 2 को जब अंदर की तरफ ले जाएंगे तो मतलब वो 4 जाएगा, ठीक है ना, 4 जब बाहर आता है रूट से तो वो 2 बनता है, ठीक है ना। तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 4, और वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, -1 + √12, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए इक्वल्स टू -1 और बी इक्वल्स टू 12। ठीक है, देखो एक और लास्ट वाला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। है कॉन्सेप्ट ही होल स्क्वायर का ही, परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं उसका ही कॉन्सेप्ट है। उसी के अंदर क्वेश्चन ये ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हमसे करवा लेता है, ठीक है। अब देखो एक लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, 3 + √5, इसकी वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कुछ नहीं, वही अप्लाई करना पड़ेगा सेम मेथड, कैसे, देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रूट फाइव के साथ 2 नहीं है, क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 + √5 इसको लिखते हैं ब्रैकेट में और क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं इस पूरे के अंदर, ठीक है ना। क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम लोग, तो देखो क्या बन जाएगा, ये इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6 + √5/2, ठीक है। अंदर वाली टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे, √2 √5 टू ए बी से कंपेयर, ए इक्वल्स टू रूट फाइव और बी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बना, √5 2 + 1, ठीक है, क्या बन गया, 6, ठीक है ना। √5 2 + 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6, और वही 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, कैपिटल ए की वैल्यू, ठीक है ना, ये बी, और नीचे अपॉन में 2 है। तो देखो ए कितना है हमारा, √5 और बी कितना है, 1। तो देखो ऊपर क्या बनेगा हमारा, √5 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 2 प्लस 2 इंटू 1, सॉरी जो ए है उसे पहले लिखेंगे, √5 × 1, और नीचे क्या बना, √2, ठीक है ना। ये पूरे पे है, ये मैंने अलग अलग लिख दिया दोनों पे, ठीक है। अब देखो 1/√2, ये क्या बन गया पूरा, √5 + 1 2, ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो देखो 1/√2, ऊपर क्या बना, √5 + 1, देखो ऑप्शन में इतना ही दे रखा होगा, ठीक है ना, PDF डाली उसमें ऑप्शन में इतने दे रखा होगा। ऐसे आगे और सॉल्व करवाता है तो हमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं, ठीक है ना, कैसे, नीचे से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √10 + √2, और ये कितना आ जाएगा, नीचे 2। देखो ऑप्शन में कैसे दे सकता है, इस तरह से दे सकता है या इस तरह से दे सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल हमारे जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड, हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है ना, कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है, मतलब बनता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो एक नया मेथड मतलब नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।